अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। निकालिए हमें यहाँ से। कोई सुन रहा है हमारी बात? हाँ ठीक है। श्रवण क्या हुआ जल्दी बताओ, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। यस! भाभी अनमोल अरेस्ट हो गई। ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना वो तेज है, लेकिन मैं उससे ज्यादा तेज हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप अनमोल को ऐसे नहीं पकड़ सकते, छोड़िए उसे। छोड़ देंगे, पहले आप जमानत के पेपर तो लेके आइए। पेपर? अरे जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात के पेपर? आवाज नीचे। मीरपुरा से पकड़ी गई है ये, और इसने क्या किया या क्या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी। जाओ यहाँ से, और 2 दिन बाद आना या कोर्ट खुलेगा। अपनी बात रखना। अनमोल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रमन मैं बहुत खुश हूँ, आज अनमोल फाइनली तुम्हारे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। बिल्कुल सही कहा लाली तुमने। जब कल न्यूज़पेपर में ये छपेगा कि अनमोल छुप छुप के धंधा करती है, फिर मेरे घर वाले मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डालेंगे उसके साथ शादी के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके इशारों पर काम कर रहे हो, पर मैं उसे अनमोल का नाम खराब नहीं करने दूंगा। मेरा नाम भी रजत चौहान है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक औरत की इज्जत के साथ उसे नहीं खेलने दूंगा, कभी भी नहीं। तो क्या करेंगे चौहान साहब आप? क्या करूंगा अभी बताता हूं। अरे पगला दे, अरे छोड़ो मुझे, इसे अंदर डालो। 2 दिन हवाला के अंदर रहेगा ना, सारी गर्मी निकल जाएगी इसकी। आप ठीक तो है ना? ये क्या किया आपने? वही किया जो करना चाहिए था। अमोल मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, और ना ही रमन के प्लान को कामयाब होने दे सकता हूं। अब अगर तुम पर उंगली उठेगी मतलब मुझ पर उंगली उठेगी। अब मैं भी देखता हूं कि क्या करते हैं ये लोग। लगता है बहुत प्यार है दोनों में, बिल्कुल देवदास और पारो जैसे। पुलिस ने भाई को जेल में बंद कर दिया है। क्या? क्या? रजत जेल में? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ पापा, इंस्पेक्टर साहब ने तो मुझे यही कहा। सुनिए, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ चलते हैं।
इसमें खता कैसे मैं तुझसे कहूँ। रिश्तों की आँख में चोली बदली ही जाए, गवाह है चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे गवाह है, तेरे मेरे मिलन के अपने सातों वचन के चांद कर। आपने मेरे बेटे रजत विजय चौहान को अरेस्ट किया, आप जानते ही होंगे। जानता हूँ, शायद आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने क्या किया है। थाने में तोड़फोड़, सारा थम उठा के फेंक दिया। देखिए, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना रजत ऐसा है नहीं। मैं समझ सकता हूँ, कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। रजत दूर हटो मुझसे। अनमोल ठीक हो ना बेटा? रजत, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ जेल में कैसे पहुंचे? मुझसे क्या पूछ रही है माँ? इन दोनों से पूछिए कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। जी कमिश्नर साहब। पापा, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तुम्हें इस तरह सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। तो अनमोल को देख सकती हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करते हुए? इतना घिनौना खेल खेला तुम? हर बार मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये जो काम तुम कर रही हो वो अपने स्वार्थ के लिए आखिरी बार करोगे, लेकिन नहीं, हर बार तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। और ये तुझे तो अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। एक बार भी नहीं सोचा तूने ऐसा काम करने से पहले? एक औरत की इज्जत को, उसके आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई तूने। तुम दोनों अनमोल को बदनाम करना चाहते हो ना? यही चाहते हो ना कि उसकी तस्वीर अखबार में छप जाए कि वो एक धंधे वाली है। तस्वीर छपेगी, लेकिन उसके साथ एक और तस्वीर छपेगी और वो होगी मेरी। रमन, रिजुला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? जो ऐसी हरकत की तुमने? सच में बदले की आग में दोनों अपना आपा खो चुके हैं। पापा, मैं तो बस चुप रहो रमन। ये मेरे घर का मामला है और घर जाके अपने तरीके से सुलझाऊंगा इसे, समझ गए ना तुम? मन तो कर रहा है कि दोनों को थप्पड़ मार मार के सही कर दे। तुम दोनों की वजह से ये दोनों जेल में हैं। और जेल में ही रहेंगे मां, जब तक कि रमन अनमोल से माफी नहीं मांग लेता। नो वे, मैं और माफी, वो भी इस अनमोल से, सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, फिर मैं यही रहूंगा और इसी जेल में सड़ूंगा और ये कन्फेस करूंगा कि मैं भी इस रैकेट का हिस्सा हूं। और हां, आप लोग कितने भी बेल के पेपर रेडी करवा लीजिए, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। रमन, रमन प्लीज उससे माफी मांग लो। नहीं भाभी, इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मैं इससे माफी मांगूंगा? कभी नहीं। तो तुमने कौन सी कसर छोड़ दी है? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मांगो माफी। भाभी, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं इस गवार से माफी नहीं मांगने वाला। भाई को अगर जेल में रहना है तो रहे शौक से।
रजत जी, आपको सच में लगता है कि हमें इनकी माफी की जरूरत है? देखिए, हम मानते हैं कि हम बकबकिया हैं, बुद्धू हैं, बुड़बक हैं, गवार हैं, लेकिन आत्मसम्मान है हमारा। और वैसे भी जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनसे हमें कोई माफी नहीं चाहिए। अगर ये माफी मांगेंगे भी ना, तो इनकी माफी झूठी ही होगी। जिस इंसान के पास दिल ही नहीं है, वो दिल से माफी कैसे मांगेगा? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। रजत जी, ये कोई चिल्ला रहा है क्या? हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई मेमना मैं करकर चिल्ला रहा है। अनमोल, हाथ में रहो। ये देखो, हमें फिर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं करकर रमा जी, चिल्लाना बंद कीजिए। पहले तुम मुझे इरिटेट करना बंद करो। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लेंगे आप? अनमोल, शांत हो जाओ। बंद करो ये सब। इस चीज को बंद करने का बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये इंसान हमसे नहीं बल्कि आपसे माफी मांगेंगे। हमसे ज्यादा तकलीफ इन्होंने आपको पहुंचाई है, इसलिए माफी भी ये आपसे ही मांगेंगे। हमारा तो कुछ दिन पहले से इनसे जुड़ाव है, पर आपसे तो ये बचपन से जुड़े हैं, इसीलिए माफी ही अपने बड़े भाई से ही मांगेंगे। तब जाकर हमारी तरफ से सब कुछ खत्म होगा। नहीं, नहीं मांगूंगा मैं माफी। रमन, आप रजत से तो माफी मांग सकते हो ना? चलो माफी मांगो। रमन बेटा, माफी मांग लो और इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दो। भूत बने क्या खड़े हो रमन? रजत से माफी मांगो अभी के अभी। सॉरी भाई, मुझे माफ कीजिएगा। सुहान साहब, मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है। आपको हो तो परेशानी में। गोविंद, इन दोनों को छोड़ दो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तुम हमेशा अपने मन की करती हो ना? मन का नहीं करते, जो सही है वो करते हैं। हमारे बच्चे, सब कुछ तुम्हें झेलना पड़ता है। चलो घर चलो। आओ हमारे घर में गणेश भगवान की मूर्ति क्यों आई है? क्योंकि गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और अगले 10 दिनों तक पापा हमारे ही घर रहेंगे। वाओ, मतलब मुझे हर रोज लड्डू मिलेगा। बिल्कुल, तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। रुकिए,
माँ ये अंदर नहीं जाएगी। जब रमन ने इसे शादी करने से इनकार कर दिया है तो ये यहाँ क्यों है? शादी क्या, अब तो मैं इसकी कभी शक्ल भी ना देखूं। इसलिए अब ये हमारे घर नहीं रहेगी। निकालिए इसे यहाँ से। रमन ये क्या बदतमीजी है? मम्मी आप कुछ ना कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं आपका सगा हूं या ये लड़की। तुमने जो हरकत की है ना रमन, अब हमारा मन और विश्वास दोनों उठ गए हैं तुमसे। इसीलिए ऐसी बातें ना ही करो तो ही अच्छा है। चलो हटो सामने से। मम्मी मैंने कहा ना ये लड़की इस घर में नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी। ये अंदर आएगी, जरूर आएगी। हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। चलो सुनहरी। रमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़की हमारे घर में नहीं रह सकती, ये आउट हाउस में रहेगी और इसकी असली जगह मैं इसे दिखाऊंगी। ने क्या कहा, इसके भाई की शादी नंदिनी से नहीं होगी और रमन ने भी इसे ठुकरा दिया, फिर ये यहां क्यों है? ये सिर्फ आग लगाने का काम करती है, बाकी इसका कोई हक नहीं। इसलिए चुपचाप इसे निकालिए यहां से। अगर आप नहीं निकालेंगे तो मैं निकालूंगा। हक जानना है ना तुझे, मैं बताता हूं क्या हक है। ये मेरी बीवी है अनमोल रजत चौहान। आज के बाद में किसी ने भी इसे कुछ भी कहा या कुछ भी किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजन? वही कह रहा हूं जो सच है। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, साथ मेरे लिए है इसके साथ मेरे। मेरे नाम का मंगलसूत्र अभी भी इसके गले में। इसीलिए आज के बाद में इससे भिड़ने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। समझ में आई बात? खड़े क्यों, हटो मेरे सामने से। Sarva 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 S
सर्वे सर्वे शक्ति समन्विते।